और अब खबर रायपुर से है, जहां पर कोरोना काल में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। तकरीबन सभी सब्जियां इस समय महंगी हैं, जो आने वाले समय में और महंगी हो सकती हैं। दरअसल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 80% सब्जियां दूसरे प्रदेशों से आ रही हैं। आलू परवल बंगाल से मंगवाया जा रहा है तो प्याज महाराष्ट्र से आ रहा है, जबकि लहसुन गोभी मध्य प्रदेश से और टमाटर कर्नाटक से आ रहा है। सब्जियां भी अब भाव खाने लगी है। मिर्ची के दाम जो है वो 80 रुपए किलो हो गए हैं, तो वहीं तमाम अगर सब्जियों की बात करें तो वो भी महंगी हो गई है। आज हम सब्जी मार्केट में मौजूद है, यहाँ पर हम सब्जी मार्केट के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस हद तक महंगी हुई है सब्जियाँ, कितनी हुई है रेट सभी सब्जियों। आमतौर पर होता है कि बरसात के मौसम में सब्जियाँ वैसे भी महंगी रहती है, लेकिन इस बार अपवाद ये है कि लगभग सभी सब्जियाँ बहुत महंगी है। टमाटर, फूलगोभी, हरी मिर्च और शिमला मिर्च, अदरक वगैरह लगभग सभी जींस महंगे हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं, एक तो फसल बहुत प्रभावित हुई है बरसात के कारण। बेंगलुरु से टमाटर आता है हमारे पास और वहां पर ही अभी मौके पे बहुत महंगा चल रहा है। रायपुर छत्तीसगढ़ आके लगभग ये 60 रुपये किलो के आसपास का पड़ रहा है और चिल्लर में ये 80 रुपये किलो बिक रहा है। इसके अलावा हरी मिर्च भी फसल खराब हुई है, ये अंबिकापुर से आ रहा है और चिल्लर में 70 से 80 रुपये किलो बिक रहा है। फूलगोभी भी ऐसी महंगी है छिंदवाड़ा से जो आ रहा है और अभी ये बिक रहा है लगभग 80 से 100 रुपये किलो फूलगोभी बिक रहा है। इसके अलावा शिमला मिर्च भी 50 से 55 रुपये थोक में पड़ रहा है और चिल्लर में लगभग 100 रुपये किलो के आसपास का बिक रहा है। कुछ इसका कारण ये भी है, कोरोना का प्रभाव है, कुछ फसल कमजोर और बरसात का भी, और उम्मीद ये है कि लगभग आने वाले हफ्ते तक महंगाई इसी तरह रहेगी। एक कारण ये भी है कि डीजल के रेट में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है लगातार, थोड़ा बहुत इसका भी कुछ कारण है सब्जियों के भाव में वृद्धि का। जी नहीं, पिछले 2 साल 3 साल की अपेक्षा इस साल सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है टमाटर, ये टमाटर के अलावा सभी सब्जियों में। जो कोरोना का समय है उस मौके पर जो है सब्जियां भी महंगी हुई है, पेट्रोल के दाम में वृद्धि होना भी एक सब्जी महंगी होने का कारण है। और साथ ही आपको बता दूं कि इस बार जो है काफी फसलें भी खराब हुई है, जिसकी वजह से सब्जियों जो है वो बाहर से आ रही हैं, तो इस वजह से काफी सब्जियां जो है वो महंगी हुई है। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस।